अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पैदल चलित सुंदरकांड बाद आता है अयोध्या तक निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी देर जब अपनी वाणी को निकालते हैं तो थक जाते हैं, तो शरीर में सामर्थ्य योग और प्रभु श्री सीताराम जी की शरण में रहकर कितना सामर्थ्य आता है, ये पूरे देश विश्व को यही यहाँ से उद्देश्य लेकर जा रहे हैं कि पूरे विश्व को मैसेज जाए, संदेश जाए कि इसके द्वारा, योग के द्वारा कितना सामर्थ्य आता है, ताकि जन कल्याण का कार्य करें। प्रत्येक घर से बच्चे निकलना चाहिए, योग करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, निश्चय बलवान बनेंगे, राजा रामचंद्र जी की शरण में रहना चाहिए, सनातन के शरण में रहना चाहिए, तो ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है। आपके मन में ऐसा क्या विचार है कि आप अयोध्या पैदल जा रहे हैं और सुंदरकांड पाठ करते हुए जा रहे हैं? मेरे मन में निरंतर विश्व के लिए कल्याण की भावना आती रहती है, तो भगवान ने मुझे संदेश दिया है कि तू अगर चलते हुए सुंदरकांड करते जाएगा तो निश्चय ही सनातन की संस्कृति जागेगी और साथ में पुरुषार्थ और बल प्राप्ति हितार्थ लोग ज्ञान बुद्धि के साथ कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। कितने दिवसीय यात्रा रहेगी आपकी? यहाँ हमने जहाँ तक कभी हमारी टीम ने विचार किया है 12 से 15 दिन के भीतर ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हम 70 से 80 या 75 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के मध्य में हम चलेंगे और इस यात्रा को पूरा करेंगे। आपका परिचय? योग गुरु राजेश बैरागी, दिव्य योग संस्थान देवास।